वराह कल्प में होने वाले शिव जी के प्रथम अवतार से लेकर नवम ऋषभ अवतार तक का वर्णन। नंदीश्वर कहते हैं, सर्वज्ञ सनत कुमार जी, एक बार रुद्र ने हर्षित होकर ब्रह्मा जी से शंकर जी के चरित्र का प्रेम पूर्वक वर्णन किया था। वह चरित्र सदा परम सुखदायक था, उसे तुम श्रवण करो। वह चरित्र इस प्रकार है। शिव जी ने कहा, ब्राह्मण, वराह कल्प के सातवें मन्वंतर में संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करने वाले भगवान कल्पेश्वर, जो तुम्हारे प्रपोत्र हैं, व्यवस्था मनु के पुत्र होंगे। तब उस मन्वंतर की चतुर योगियों के किस द्वापर युग में मैं लोकों पर अनुग्रह करने तथा ब्राह्मणों के हित के लिए प्रकट होऊंगा। ब्राह्मण, युग प्रवृत्तियों के अनुसार उस प्रथम चतुर योगी के प्रथम द्वापर युग में जब प्रभु स्वयं ही व्यास होंगे, तब मैं उस कलियुग के अंत में ब्राह्मणों के यथार्थ शिवा शक्ति श्वेत नामक महामुनि होकर प्रकट होऊंगा। उस समय हिमालय के रमणीय शिखर छागल नामक पर्वत श्रेष्ठ पर मेरे शिखाधारी चार शिष्य उत्पन्न होंगे। उनके नाम होंगे श्वेत, श्वेत सिख, श्वेताश्व और श्वेत लोहित। वे चारों ध्यान योग के आश्रम से मेरे नगर में जाएंगे। वहां वे मुझे अविनाशी को तत्वतः जानकर मेरे भक्त हो जाएंगे तथा जन्म जरा और मृत्यु से रहित होकर पर ब्रह्मा की समाधि में लीन रहेंगे। वत्स पितामह, उस समय मनुष्य ध्यान के अतिरिक्त दान धर्म आदि कर्म हेतु तक का साधनों द्वारा मेरा दर्शन नहीं पा सकेंगे। दूसरे द्वापर में प्रजापति सत्यव्यास होंगे। उस समय मैं कलयुग में सुतार नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहां भी मेरे दुंदु भी शतरूप हर्षिक तथा केतुमान नामक चार वेदवादी द्विज शिष्य होंगे। वे चारों ध्यान योग के बल से मेरे नगर को जाएंगे और मुझ अविनाशी को तत्वतः जानकर मुक्त हो जाएंगे। तीसरे द्वापर में जब भार्गव नामक व्यास होंगे, तब मैं भी नगर के निकट ही दमन नाम से प्रकट होऊंगा। उस समय भी मेरे विशोक विशेष विपाप और पापनाशन नामक चार पुत्र होंगे। चतुरानंद, उस अवतार में भी मैं शिष्यों को साथ लेकर व्यास की सहायता करूंगा और कलयुग में निवत्र मार्ग को सुदृढ़ बनाऊंगा। चौथे द्वापर में जब अंगिरा व्यास कहे जाएंगे, उस समय मैं सुहोत्र नाम से अवतार लूंगा। उस समय भी मेरे चार योग साधक महात्मा पुत्र होंगे। ब्राह्मण, उनके नाम होंगे समुख दुर्मुख दुर्दुम और दुरुतिक्रम। उस अवसर पर भी इन शिष्यों के साथ में व्यास की सहायता में लगा रहूंगा। पांचवे द्वापर में सरिता व्यास नाम से कहे जाएंगे, तब मैं कंक नामक महातपस्वी योगी होऊंगा। ब्राह्मण, वहां भी मेरे चार योग साधक महात्मा पुत्र होंगे। उनके नाम बतलाता हूँ, सुनो। सनक सनातन प्रभावशाली सनंदन और सर्वव्यापक निर्मल और अहंकार रहित सनत कुमार। उस समय भी कंक नामधारी मैं सविता नामक व्यास का सहायक बनूंगा और निवृत्ति मार्ग को बढ़ाऊंगा। पुनः छठे द्वापर में प्रवृत्त होने पर जब मृत्यु लोक कारक व्यास होंगे और वेदों का विभाजन करेंगे, उस समय भी मैं व्यास की सहायता के लिए लोकाक्षी नाम से प्रकट होऊंगा और निवृत्ति पथ की उन्नति करूंगा। वहां भी मेरे चार दृढ़वर्ती शिष्य होंगे। उनके नाम होंगे सुधामा बिरजा संजय और विजय। विधे, सातवें द्वापर के आरंभ में जब सत्क्रतु नामक व्यास होंगे, उस समय भी मैं योग मार्ग में परम निपुण जैगे शब्द नाम से प्रकट होऊंगा और काशीपुरी में गुफा के अंदर दिव्य देश में कुशासन पर बैठकर योग को सुदृढ़ बनाऊंगा और शतक्रतु नामक व्यास जी की सहायता और संसार भय से भक्तों का उद्धार करूंगा। उस समय युग में भी मेरे शाश्वत योगेश मेघवा और सुवाहन नामक चार पुत्र होंगे। आठवें द्वापर के आने पर मुनिवर वशिष्ठ वेदों का विभाजन करने वाले वेद व्यास होंगे। योगी वित्तम, उस युग में भी मैं दधि वाहन नाम से अवतार लूंगा और व्यास जी की सहायता करूंगा। उस समय कपिल
आसुरी, पंचशिक और शावल नाम वाले मेरे चार योगी पुत्र उत्पन्न होंगे, जो मेरे ही समान होंगे। ब्रह्मा नवी चतुर्युगी के द्वापर युग में मुनि श्रेष्ठ सारस्वत नामक व्यास प्रसिद्ध होंगे। उन व्यास के निवृत्ति मार्ग की वृद्धि के लिए ध्यान करने पर मैं ऋषभ नाम से अवतार लूंगा। उस समय पराशर, गर्ग, भार्गव तथा गिरीश नाम के चार महायोगी मेरे शिष्य होंगे। प्रजापति, उनके सहयोग से मैं योग मार्ग को सुदृढ़ बनाऊंगा। समुनि, इस प्रकार का व्यास का सहायक बनूंगा। ब्राह्मण, उसी रूप में मैं बहुत से दुखी भक्तों पर दया करके उनका भवसागर से उद्धार करूंगा। मेरा यह ऋषभ नामक अवतार योग मार्ग का प्रवर्तक, सारस्वत व्यास के मन को संतोष देने वाला और नाना प्रकार से रक्षा करने वाला होगा। उस अवतार में मैं भयत्रायु नामक राजकुमार को, जो विष दोष से मर जाने के कारण पिता द्वारा त्याग दिया जाएगा, उसे जीवन प्रदान करूंगा। तदनंतर उस राजपुत्र की आयु के 16वें वर्ष में ऋषभ ऋषि, जो मेरे ही अंश हैं, उसके घर पधारेंगे। प्रजापते, उस राजकुमार द्वारा पूजित होने पर वे सदूपधारी कृपालु मुनि उसे राजधर्म का उपदेश करेंगे। तत्पश्चात वे दीन वत्सल मुनि हर्षित चित्त से उसे दिव्य कवच, शंख और संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाला एक चमकीला खड़क प्रदान करेंगे। फिर कृपा पूर्वक उसके शरीर पर भस्म लगाकर उसे 12,000 हाथियों का बल भी देंगे। यूं माता सहित भद्रायु को भली भांति आश्वासन देकर तथा उन दोनों द्वारा पूजित हो प्रभावशाली ऋषभ मुनि स्वेच्छा अनुसार चले जाएंगे। ब्राह्मण, तब राजर्षि भद्रायु भी रिपुगणों को जीतकर और कीर्ति मालिनी के साथ विवाह करके धर्मपूर्वक राज्य करेगा। मुनि, मुझ शंकर का वह ऋषभ नामक नवा अवतार ऐसा प्रभावशाली होगा, वह सत्पुरुषों की गति और दीनों के लिए बंधु सा हितकारी होगा। मैंने उसका वर्णन तुम्हें सुना दिया है। यह ऋषभ चरित्र परम पावन, महान तथा स्वर्ग यश और आयु को देने वाला है, अतः इसे प्रयत्नपूर्वक सुनाना चाहिए।